नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम वोल्टेज कंट्रोल का चर्चा करेंगे और वो है सिंगल फेज इन्वर्टर का वोल्टेज कंट्रोल। मींस टुडेज टॉपिक इज वोल्टेज कंट्रोल्ड इन सिंगल फेज इन्वर्टर। बच्चों, हम ऑलरेडी सिंगल फेज इन्वर्टर के बारे में बेसिक डिटेल समझ चुके हैं। यहाँ हम समझेंगे वो कौन कौन से मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम इन्वर्टर के अंदर वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं। नॉर्मली बच्चों, जब हम इन्वर्टर को यूज करते हैं तो एक बहुत बेसिक सा इंटेंशन होता है और वो होता है कि इनपुट डीसी वोल्टेज को एट रिक्वायर्ड वोल्टेज एंड एट रिक्वायर्ड फ्रिक्वेंसी एसी वोल्टेज में कन्वर्ट करना, और इस रिक्वायर्ड एसी फ्रिक्वेंसी और एसी वोल्टेज को अचीव करने के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कंट्रोलिंग एडॉप्शन करते हैं, यानी कंट्रोलिंग मेथड्स को यहाँ पे यूज करते हैं। तो आइए बच्चों, यहाँ इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे हम कॉन्स्टेंट इनपुट वोल्टेज यानी डीसी को यूज करते हैं और कैसे उसको वेरिएबल आउटपुट वोल्टेज विथ डिजायर्ड फ्रिक्वेंसी में किस किस तरीके से मेंटेन करते हैं, किस किस तरीके से अचीव करते हैं। तो बच्चों, जब हम सिंगल फेज इन्वर्टर की बात करते हैं तो उसके बहुत सारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। लाइक मुझे अगर सिंगल फेज मशीन को कंट्रोल करना है, लाइक इंडक्शन मोटर को कंट्रोल करना है, मेरे पास इनपुट अगर डीसी है और मुझे एसी में कन्वर्ट करके उसको सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की स्पीड कंट्रोलिंग करनी है, या फिर अदर कोई स्पेशल एप्लीकेशन है वहाँ पे हम रिक्वायर्ड फ्रिक्वेंसी और रिक्वायर्ड वोल्टेज को यूज करते हैं और उसके लिए हम यहाँ पे सिंगल फेज इन्वर्टर के डिफरेंट डिफरेंट कन्वर्टर यानी कंट्रोलिंग एक्शंस को यूज करते हैं। कुछ लिमिटेशन भी है बच्चों, उन लिमिटेशन को भी ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हम इन्वर्टर का नॉर्मली कंट्रोल मैकेनिज्म यूज करेंगे। आइए सबसे पहले हम समझते हैं वो कौन कौन से टेक्निक्स हैं जिनको हम यूज करके सिंगल फेज इन्वर्टर्स के आउटपुट को वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं। और उसमें सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट टेक्निक है वो है एक्सटर्नल वोल्टेज ऑफ एसी वोल्टेज कंट्रोल, यानी एक्सटर्नल कंट्रोल ऑफ एसी वोल्टेज कंट्रोल जो मेथड है बच्चों, उसका एक बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है कि यहाँ हम एक्सटर्नल कंट्रोल पैरामीटर्स को यूज करके अपने इन्वर्टर के अंदर कुछ ऐसे ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं, ऐसे मैकेनिज्म को यूज करते हैं जिससे हम इनपुट एसी वोल्टेज को डिजायर्ड आउटपुट एसी या डिजायर्ड फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट कर सके। आगे हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं बच्चों। जो सेकेंड मेथड है वो है एक्सटर्नल कंट्रोल ऑफ डीसी इनपुट वोल्टेज। मीन्स मेरे पास इनपुट डीसी वोल्टेज है, मैं एक्सटर्नल कंट्रोल मैकेनिज्म यूज करके एज पर रिक्वायर्ड ऑफ आउटपुट, एज पर रिक्वायर्ड ऑफ लोड हम इसमें कन्वर्जन करेंगे। तीसरा और इम्पोर्टेंट मेथड है वो है सिंगल पल्स मॉड्यूलेशन, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन हम ऑलरेडी डिटेल में जानते हैं बच्चों, जब हम सिंगल पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे हम नॉर्मली पल्स के विड्थ को चेंज करके, और वो भी सिंगल पल्स के विड्थ को चेंज करके मॉड्यूलेट करके हम आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल करेंगे। इसके बारे में भी आगे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब सिंगल पल्स मॉड्यूलेशन के जैसा ही एक और पल्स मॉड्यूलेशन है जिसको हम बोलते हैं मल्टीपल पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। मल्टीपल पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन का मतलब है कि यहाँ पे हम पल्स विड्थ का जो मॉड्यूलेशन करेंगे उसमें हम मल्टीपल स्टेजेस, मल्टीपल वेरिएबल्स के फॉर्म में यूज करेंगे। इसको भी हम डिटेल में पढ़ के समझेंगे कि कैसे मल्टीपल पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन को यूज करके हम सिंगल फेज एसी इन्वर्टर के आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल कर रहे हैं। फिर हम बात करते हैं बच्चों साइनसोडल पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। आपको याद होगा कि जब हम पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन प्रोसेस को अडॉप्ट पहले के किए हैं उसका बहुत बेसिक सा ऑपरेशन है, और बेसिक सा जो रिक्वायरमेंट और प्रिंसिपल है वो ये है कि हमें इनपुट में जो पल्स की विड्थ है यानी उस पल्स के विड्थ को वैरी करना है ताकि हम डिजायर्ड आउटपुट को अचीव कर सकें। यहाँ जो हम पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन करेंगे उसका एक ही अल्टीमेट आउटपुट होगा कि मेरे पास इनपुट जो भी फॉर्म का डीसी हो या एसी हो, मुझे उसको आउटपुट के फॉर्म में साइनसोडल ही अचीव करना है, और इसीलिए इसको हम साइनसोडल पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन के नाम से जानते हैं। इसके बारे में भी आगे हम डिटेल में चर्चा करेंगे। अगला जो वोल्टेज कंट्रोल टेक्निक है सिंगल फेज इन्वर्टर का वो है मॉडिफाइड साइनसोडल पल्स विद मॉड्यूलेशन, जो कि एक स्टैंडर्ड वर्जन है SPWM का, यानी साइनसोडल पल्स विद मॉड्यूलेशन का। सबसे इम्पोर्टेंट और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो है फेज डिस्प्लेसमेंट कंट्रोल, जहाँ पे हम फेज एंगल को कंट्रोल करके इन्वर्टर के कॉम्बिनेशंस डेवलप करते हैं और फाइनली वोल्टेज कंट्रोल को परफॉर्म करते हैं। तो इस तरीके से बच्चों हम यहाँ पे समझ पा रहे हैं कि कैसे हमारे पास सिंगल फेज एसी इन्वर्टर को यानी सिंगल फेज इन्वर्टर को कंट्रोल करने के लिए, स्पेशली उसके वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए
हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टेक्निक्स है और इन सभी टेक्निक्स का एक ही पर्पस है, वो है इनपुट डीसी अगर हो तो मुझे डिजायर्ड आउटपुट एसी चाहिए एट डिजायर्ड फ्रिक्वेंसी, और ये हम यूज करेंगे नॉर्मली अपने मशीन्स के स्पीड को कंट्रोल करने के लिए एज वेल एज सम अदर ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। तो आइए वन बाय वन इन सभी मेथड्स को हम समझते हैं। तो अगले वीडियो में हम सबसे पहले समझेंगे एक्सटर्नल कंट्रोल ऑफ एसी वोल्टेज कंट्रोल। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।